जोहार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। और ये वीडियो कक्षा 1 से 5 में जितने लोग शिक्षक बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी है, और जो 6 से 8 के लिए एग्जाम दे रहे हैं यानी 6 से 8 में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं कक्षा 1 से 5 का रिजल्ट कब तक आएगा, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, 6 से 8 का रिजल्ट कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होने वाला है, सारी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम के थ्रू मिलते रहे। लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और चैट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो इम्पोर्टेंट चीज है कक्षा 1 से 5 के लिए भी और 6 से 8 के लिए भी, ठीक है। कक्षा 1 से 5 के लिए मैंने आप सभी को बताया था कि 5531 सीट है दोस्तों नॉन पारा टीचरों के लिए। इतने सीटों पे आपको फाइट करना है। कुल आवेदन 31,769 आए थे जिसमें 30,000 स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठे हैं, और इसमें से बहुत सारे इनवेलिड छात्र हैं जिन्हें आपको आउट करना जरूरी है, तो आपका कट ऑफ कम जाएगा, ये भी मैंने बताया था। और कट ऑफ आपका इतना जाने का चांसेस है यदि आप इनवैलिड छात्रों को आप आउट करते हो तो, और इसके लिए आपको आगे आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आज जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें कहने जा रहा हूँ वो इसमें है, क्या कुछ आपको करना है, क्या कुछ आपका जो मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगा, वेरिफिकेशन कब तक होगा। देखिए मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि 20 जुलाई 2024 को संभावित रखी गई है। कक्षा 1 से 5 का जो है 20 जुलाई 2024 को आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही गई है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कब होगा, वेरिफिकेशन के लिए 5 अगस्त से लेकर 28 अगस्त का डेट रखा गया है आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना होगा। दोस्तों आप सभी जानते हो कि हम लोग सभी चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो ताकि जो जो इनवैलिड कैंडिडेट हैं उनको पहले ही छांट दिया जाए और सीधे बैकलॉग में नहीं जाए। रिजल्ट पब्लिकेशन की जो तिथि रखी गई है दोस्तों 5 सितंबर में रखी गई है कक्षा 1 से 5 की। और यहाँ झारखंड के सभी छात्र चाहते हैं कि सबसे पहले 6 से 8 का रिजल्ट जारी हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस छात्र का 6 से 8 में हो जाएगा वो 1 से 5 में क्यों जाएगा। लेकिन झारखंड सरकार पहले 1 से 5 का रिजल्ट जारी करना चाहती है दोस्तों। अब इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, काफी छात्र पूछ रहे थे JSSC का ईमेल एड्रेस क्या है। आपका ऑफिस का मेल है दोस्तों झारखंड_SSC@readyfemale.com, ये आपका हो गया JSSC का मेल। और आप सभी को जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो आप देख रहे हो क्या कुछ करना चाहिए क्या कुछ नहीं, इनवैलिड जो भी कैंडिडेट हैं, इनवैलिड कैंडिडेट उनको निकालना है, इनवैलिड कैंडिडेट को आपको बाहर निकालना है, तो अपना एप्लीकेशन इस ईमेल एड्रेस पे आप लोग जरूर भेज दें। साथ ही साथ JSSC ऑफिस जो भी जाना चाहते हैं तो ये है एड्रेस आपका, काली नगर चाय बागान नामकुम, जो कि आपको कांटा टोली, याद रखिएगा कांटा टोली से आपको ऑटो मिल जाएगी, डायरेक्टली यहाँ पर उतार देगा दोस्तों। आप लोग पूछिएगा कि हमको जाना है काली नगर चाय बागान नामकुम, तो आपको उतार देगा, आप लोग जाके हैंड टू हैंड भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है दोस्तों, ये 19 जुलाई को जेटेड वर्सेस सीटेट वाला जो मामला है 19 जुलाई को इसका सुनवाई होने वाला है, और ये एक लंबा बहस चलेगा, और इसमें सभी छात्रों को अपना योगदान देना है, सभी छात्रों को योगदान देना है, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हो तो आपका रिजल्ट का होना ना होना बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में सबको सहयोग करना है। हाई कोर्ट में भी एक सुनवाई चल रही है, 9 जुलाई 2024 को इसका सुनवाई होगा। बीएड वाले जो हैं कक्षा 1 से 5 के लिए जो एग्जाम लिख रहे हैं उनका सुनवाई चल रहा है, हालांकि इन लोगों को अलग से डेट निकाला जाएगा एग्जाम के लिए, तो अभी इन लोग का भी सुनवाई हो रहा है, फाइनल जज यहाँ जजमेंट हुआ नहीं है कि इन लोग एलिजिबल हैं कि नहीं कक्षा 1 से 5 के लिए, ठीक है। उसके बाद JSSC को 6 से 8 का रिजल्ट पहले निकालना चाहिए, ये सभी छात्र कहते हैं कह रहे हैं कि JSSC को 6 से 8 का रिजल्ट पहले निकालना चाहिए, लेकिन झारखंड सरकार पहले 1 से 5 का निकालना चाह रही है, तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जिससे कि बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट नहीं आ पाएगा,
ना, उन लोगों का रिजल्ट बैकलॉग में चला जा सकता है। 6 to 8 की परीक्षा दोस्तों 22 जुलाई तक चलने की सूचना है। जैसा कि मैंने एक नोटिफिकेशन आपको दिखाया था उसमें लिखा हुआ है दोस्तों जो एग्जाम है 22 जुलाई तक 6 to 8 का चलेगा। तो इस हिसाब से माने तो आपका जो सिटी इंफॉर्मेशन है 4 से 9 के बीच में आप लोगों को दिख जाएगा। 4 से 9 मैंने ये अनुमानित रखा है, उससे पहले भी दिख सकता है, सिटी इंफॉर्मेशन आपको दिख सकता है, याद रखिएगा। तो मैंने मोटा मोटी मान के चला है कि 4 से 9 तारीख के बीच में आपको सिटी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपका जो एग्जाम है 12 से 17 तक, मतलब 12 से 17 के बीच में आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे लगता है दोस्तों ये अनुमानित है। तो आप लोग इतना डेट तक आप लोग तैयार रहें क्योंकि एग्जाम आपका 22 जुलाई तक चलने वाली है। तो उस हिसाब से आपका 10 दिन पहले कर लो, है ना, 10 दिन पहले ना आपको सिटी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, 10 या 7 दिन पहले। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ रखा है कि 12 से 17 तारीख तक आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे पेपर 2 और 3 के, ठीक है। उसके बाद पेपर 4 का फिर अलग से लिया जाएगा, ठीक है। अब ये सब सारा जो पॉइंट मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, 6 to 8 वाले बहुत परेशान हो रहे थे तो उनके लिए भी मैंने बता दिया, है ना। अब 6 to 8 का रिजल्ट जो है अक्टूबर में निकालने की बात कह रही है सरकार, अक्टूबर में निकालने की बात कह रही है जो नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार। तो देखिए अब कब निकालती है कब नहीं, ये तो देखने वाले टाइम पे पता चलेगा, आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। JSSC ऑफिस में आवेदन देना क्यों जरूरी है, अब अंतिम में बात करते हैं। JSSC ऑफिस में आवेदन देना क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इनवैलिड कैंडिडेट्स हैं, इनको यदि आप नहीं निकालते हो तो आप मेरिट लिस्ट में आने से छंट सकते हो, ठीक है, मेरिट लिस्ट में आने से छंट सकते हो। आप लोग जानते ही हो बहुत सारे इनवैलिड कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है जो कि मैंने आपको दिखाया था, और ओरिजिनल स्टूडेंट जो होंगे 20,000 ही स्टूडेंट होंगे कक्षा 1 to 5 में। उसी प्रकार 6 to 8 के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि 6 to 8 का भी जो एग्जाम हो रहा है दोस्तों इसमें भी बहुत सारे इनवैलिड कैंडिडेट हैं। तो आप लोग भी 6 to 8 वाले जितने भी छात्र हैं आप लोग जोर लगाइए और आप लोग भी JSSC ऑफिस में इसके लिए आवेदन दीजिएगा कि पहले ही फिल्टर हो, नहीं तो दोस्तों बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम कोई इनवैलिड कैंडिडेट निकलता है तो उसका सीट दोस्तों बच जाता है और वो बैकलॉग में चली जाती है, ठीक है। सरकार दूसरी बार मेरिट लिस्ट तो निकालती है नहीं, एक बार निकाल दी तो निकाल दी, उसके बाद नहीं निकालती है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग JSSC ऑफिस में आवेदन जरूर जाके दें। साथ ही साथ जो घर बैठे बैठे हैं और नहीं जा सकते हैं तो वो लोग भी एक अपने से एप्लीकेशन लिखें और JSSC_ या मतलब D के नीचे छोटा सा ऐसे _ उसको बोलते हैं, ये है ssc@redfemale.com पे आप लोग मैसेज करें दोस्तों, ईमेल करें ताकि JSSC को पता चले कि हाँ ऐसी ऐसी बात है और आप पे कार्रवाई होगी, ठीक है। तो आप लोग सारी बातों को समझ में आ गया आप सभी को, तो आप लोगों को अंतिम में बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 1 to 5 के लिए 5,521 सीटें हैं, कुल आवेदन इतना हुआ था और 30,000 छात्र एग्जाम में बैठे थे, इसमें भी बहुत सारे इनवैलिड छात्र हैं। तो अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो 20,000 स्टूडेंट ही बचेंगे और आपका कट ऑफ इतना जाने की संभावना है। अगर अगर पहले ही वेरीफाई हुआ, पहले ही अगर इनवैलिड कैंडिडेट बाहर निकाल दिए जाएंगे तो आपका कट ऑफ इतना रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा और यदि आप JSSC ऑफिस जाना चाहते हैं तो जाइएगा और अपना आवेदन जरूर दीजिएगा, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको जरूर बताइएगा तो झारखंड सरकार आपके लिए इसमें सॉल्यूशन ला सकती है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। नहीं तो फिर दोस्तों रिजल्ट पब्लिकेशन की तिथि देखिए 5 सितंबर रखी गई है तो फिर आप लोगों का दिक्कत हो जाएगा और बहुत सारे कैंडिडेट जो जेन्युइन होंगे वो बाहर हो जाएंगे और इनवैलिड कैंडिडेट अंदर हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों झारखंड में जो BEd कैंडिडेट हैं पूरे इंडिया में इनवैलिड हैं, कहीं भी वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ 18 महीने का DELED करने वाले छात्र भी एलिजिबल नहीं हैं और 18 महीने का जो NIOS का DELED होता है ये सिर्फ और सिर्फ पारा टीचर या कार्यरत शिक्षक के लिए मतलब वैलिड है, सबके लिए वैलिड नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप का जो हमारा चैनल है व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाइएगा, सारे लिंक्स मैं नीचे दे रहा हूँ। धन्यवाद।